भाई साहब ये जितने लोग कंपटीशन करा रहे हैं ना सो कॉल्ड नेचुरल कंपटीशन, उनसे जाके पूछो इसका रोड मैप क्या है। मैं आपसे अगर कंपटीशन जीतूंगा मुझे क्या मिलेगा? प्राइज मनी तो कुछ होगा नहीं। सो जितने लोग बोल रहे हैं कि आप कब आएंगे तरुण गिल के साथ, तरुण गिल बिगफिट क्लासिक और जितने ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सभी का एंटिक फिटनेस इंडिया पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से काफी सारी अपडेट्स। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए या पुराने हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सेरू क्लासिक 2023 की तरफ से आने वाली काफी सारी अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इस कॉम्पिटिशन के शेड्यूल के बारे में कि कौन सी कैटेगरी की क्या टाइमिंग रहने वाली है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ देखिए कि डे वन यानी कि 16 जून 2023 को सुबह 9 बजे से हमारी सारी कैटेगरीज का रजिस्ट्रेशन, वेट और जो हमारे ट्रंक नंबर है ना वो दिए जाएंगे शाम को 4 बजे तक। और इसके बाद से ही जो हमारी स्टार कैटेगरी है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में बात करें दोस्तों डे टू के बारे में, तो 17 जून को दोस्तों हमारी मेंस फिजिक कैटेगरी को छोड़कर जो भी हमारी बाकी सारी कैटेगरीज होंगी ना उनकी प्री जजिंग स्टार्ट हो जाएगी। और देन प्री जजिंग कम्प्लीट होने के बाद ना गाइस इन सारी कैटेगरीज में जो प्रो कार्ड होंगे ना वो इसी दिन दिए जाएंगे। डे थ्री के बारे में बात की जाए दोस्तों यानी कि 18 जून, तो इस दिन आप सभी को दोस्तों 9:30 बजे से वुमेन्स वीकनी और जो मेंस फिजिक कैटेगरी है ना उसकी प्री जजिंग देखने को मिलेंगी। और करीब 1:30 बजे इन सारी मतलब 1:30 बजे के करीब हमारी दोनों कैटेगरीज के फाइनल्स होंगे और इसी के बाद में होगा दोस्तों प्रो कार्ड वाला राउंड। बात करें दोस्तों प्रो शो के बारे में, क्योंकि भाई 18 जून 2022 को जो प्रो शो है ना वो होने वाला है, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि शाम 4 बजे को अपना जो दिल्ली प्रो शो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। और प्रो शो के लाइनअप के बारे में बात की जाए तो गाइस आप लोग इन वाले फोटोज में देखिए कि भाई सारी ही कैटेगरीज के जो लाइनअप है ना वो इस बार काफी ज्यादा हार्ड है। और खासकर मेंस फिजिक कैटेगरी के लाइनअप के बारे में बात करें तो भाई कल यानी कि 13 जून को लगभग 1 बजे के बाद में ना आप सभी को इस लाइनअप की एक कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें कि हम इन सारे बॉडी बिल्डर्स के जो रीसेंट फिजिक अपडेट है ना वो आप सभी लोगों के साथ में शेयर करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली अपडेट है सेरू क्लासिक 2023 में गेस्ट पोजिंग करने वाले अपने इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स के बारे में। तो मेनली गेस्ट पोजिंग के लिए ना अभी तक 2 नाम निकल कर आए हैं, जिसमें कि पहला नाम है सुहुरु चको और दूसरा है आप सभी के फेवरेट काय ग्रीन का। और भाई जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा ना सेरू क्लासिक में काय ग्रीन की पोजिंग रिलेटेड वो भाई मैं सबसे पहले आप लोग तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग काय ग्रीन की पोजिंग के लिए ना काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपडेट आ रहे हैं तरुण गिल की तरफ से, जो कि रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं और जो जीत सलाल की न्यूचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के अंदर ना प्रो कार्ड दिए गए उसके बारे में वो कुछ बोले, तो आप लोग इस वाली वीडियो को भी देखिए। उन्हीं की भाषा में समझाता हूँ, तो खेल लिया नेचुरल कॉम्पिटिशन, दे दिए पैसे 15,000-20,000 रुपए, ले लिया अपना वो प्रो कार्ड जिसपे उन्हीं की फोटो बनी हुई है, अब वो प्रो कार्ड लेके अपने ड्राइंग रूम में लिविंग रूम में टांग देना और सोचना अब इसका हम क्या करें। भाई साहब जिन्होंने नेचुरल कंपटीशन कराया ना उनसे जाके पूछो, सर मैं इसका क्या करूं, मैंने आपको 15,000-20,000 रुपए दिए हैं, अब मैं क्या करूं, मैंने 50,000-60,000 रुपए अपनी प्रेप पे लगाए, मेरा फ्यूचर बताओ, आपके कॉम्पिटिशन के खेलने के बाद मेरा फ्यूचर क्या है, वॉट इज द वे फॉरवर्ड। वो तो अपना बाहर चले जाएंगे वापस, आप हमेशा हर साल की तरह आप दे रहना उन्हें 20,000-15,000-20,000 रुपए 25,000 रुपए उनकी जेबें भरते रहना, उनको अमीर करते रहना और तुम प्रेप करके पैसा लगा लगा के बॉडी बिल्डिंग में अपनी जेबें खाली करते जाना। भाई साहब ये जितने लोग कंपटीशन करा रहे हैं ना सो कॉल्ड नेचुरल कंपटीशन, उनसे जाके पूछो इसका रोड मैप क्या है। मैं आपसे अगर कंपटीशन जीतूंगा मुझे क्या मिलेगा? प्राइज मनी तो कुछ होगा नहीं। और क्या मुझे प्रमोट करोगे? मुझे प्रमोट करने के बाद क्या मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगी, ब्रांड्स मिलेंगे? पूछो उनसे जाके। और उनके पास मैं बता दूं क्या जवाब होगा, ये सब आपको खुद करना होगा, हम तो सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, घंटा प्लेटफॉर्म, हमारे से ही पैसे लेके हमारे को ही प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तो जरा उनसे जाके पूछो। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रही है हमारी 20 ईयर्स ओल्ड एक बहुत ही डेंजरस बॉडी बिल्डर की तरफ से, जिनका की नाम है निहात काया। बात करें इनके अचीवमेंट के बारे में तो रिसेंटली दोस्तों इन्होंने अपना प्रो कार्ड जीता है अपनी इस अमेजिंग फिजिक के साथ में। और मानना पड़ेगा दोस्तों कि इस बॉडी बिल्डर ने ना वाकई में काबिले तारीफ वाला काम करके दिखाया है, क्योंकि इतनी कम एज में ये प्रो कार्ड जीतने वाले शायद पहले बॉडी बिल्डर होंगे। और आज दोस्तों इस बॉडी बिल्डर के बारे में जानकर मेरे को वाकई में लगा कि ही इज द रियल फ्यूचर ऑफ बॉडी बिल्डिंग। एंड जब 20 साल की एज में ही इनकी बॉडी इतनी ज्यादा खतरनाक है, तो भाई आगे आने वाले टाइम में जब इनकी मसल मैच्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो भाई मिस्टर ओलंपिया का जो टाइटल है ना वो अपने नाम करने से
को कोई भी बॉडी बिल्डर शायद ही रोक पाएगा। पर इनके इस बॉडी को देखते हुए दोस्तों मेरे को पता नहीं क्यों डेरेक लंसफोर्ड की काफी ज्यादा याद आ रही है। बाकी आप लोगों को दोस्तों हमारे इस न्यू IFBB प्रो बॉडी बिल्डर की फिजिक कैसी लगी आप लोग मेरे को इसके बारे में ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रही है हमारे एक अमेचर बॉडी बिल्डर की तरफ से जो कि कम्पीट करेंगे सेरू क्लासिक 2023 में प्रो कार्ड के लिए। तो इनका नाम है दोस्तों रोहित विश्वकर्मा। और फिजिक अपडेट की बात करें तो भाई इनका जो करंट फिजिक अपडेट है आप लोग इस वाले फोटो में उसको देख सकते हैं। क्लासिक कैटेगरी से कम्पीट करते हैं दोस्तों और फिजिक इस अपडेट में मेरे को इनकी काफी ज्यादा इंप्रेसिव नजर आ रही है। सिमेट्रिकल प्रपोजन यहाँ पर इनके पास में क्लासिक फिजिक के हिसाब से काफी ज्यादा परफेक्ट है। बात करें कंडीशनिंग के बारे में तो कंडीशनिंग भी एकदम ऑन पॉइंट है और साइज भी काफी अच्छा खासा हमको इस अपडेट के अंदर इनका नजर आ रहा है। बाकी होपफुली दोस्तों देखते हैं कि क्या सेरू क्लासिक के अंदर ये अपना प्रो कार्ड जीत पाएंगे, ये देखने में वाकई में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए गाइस अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि आ रही है साहिल खान की तरफ से। तो भाई रिसेंटली हम ये वाली बात नोटिस कर रहे हैं कि साहिल खान और तरुण गिल एक दूसरे के सपोर्ट में यहाँ पर काफी ज्यादा वीडियो जो अपने इंस्टाग्राम है ना वहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं। बट अभी अभी मैंने ना एक वीडियो देखा जिसमें कि साहिल खान भाई एकदम ओपनली जो हमारे तरुण गिल है ना उनको सपोर्ट करते हैं और जो उनके हेटर्स है ना उनको भी एक तरह से एक रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इस वाली वीडियो को भी देखिए। और बाय द वे बहुत खुशी होती है देख करके इतने सारे एथलीट जो हैं अब सब बात कर रहे हैं कि एक्सपोज में बहुत ज्यादा पैसा लिया गया, बहुत सालों से एथलीट के साथ नाइंसाफी हुई। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने इस मुद्दे पे बात किया था पहले और देखते ही देखते कितने साल हो गए इस बात को, करीब 6 साल हो गए और आज भी सारे एथलीट्स बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको कुछ मिल नहीं रहा है। मैंने कहा था यही बात 6 साल पहले, लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन खुशी की बात है कि आज तरुण गिल जैसे लोग इस चीज़ को बता रहे हैं, समझा रहे हैं और बहुत सारे एथलीट्स जो हैं अब मुझे मेरे साथ DM में हैं, ईमेल में हैं और कह रहे हैं कि इस बात को फिर से लोगों तक पहुंचाया जाए क्योंकि उनकी आवाज़ पहुंचेगी। तो आवाज़ बहुत जल्द पहुंचने वाली है आप लोगों की। डेफिनेटली आई एम विद द एथलीट्स। सो मैं सारे एथलीट के साथ आज भी हूं, पहले भी था। मैंने 1 करोड़ रुपए कैश देने का जो वादा किया था वो आज भी कर रहा हूं। बिग फिट क्लासिक हो रहा है, 1 करोड़ रुपए वो दे रहा है तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा जेस्चर है। उसके साथ मैं भी 1 करोड़ रुपए दूंगा। मैंने पिछले साल कहा था कि अगर इंडिया से कोई top 5 में भी मिस्टर ओलंपिया आएगा तो डिवाइन न्यूट्रिशन, हंक वाटर, बाइसेप्स और माई फिटनेस पीनट बटर, ये सारे ब्रांड्स मिलकर एंड लायन बुक मिलकर 1 करोड़ रुपए इनाम देगी उस एथलीट को जो इंडिया से होगा और 2023 में मिस्टर ओलंपिया में top 5 में आएगा किसी भी कैटेगरी में। सो ये ऑफर आज भी वैलिड है। अब बात करते हैं शोज और एक्सपोज की। क्या हुआ, जो एक्सपोज के जो ओनर्स थे, जैसा कि आपने देखा कहा गया था कि एथलीट से पैसे आधे लिए जाएंगे और कुछ और याद तो होगा आप लोगों को कि कहा गया था कि एथलीट से पैसे आधे लिए जाएंगे और कैश प्राइज दिया जाएगा, बहुत कुछ। ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ ना, यूज करिए दिमाग। पैसा वाला सिर्फ पैसा वाला बनेगा। एक्सपो ओनर एथलीट से करोड़ों रुपए कमाते हैं, एक दिन में करोड़ों रुपए कमाते हैं। अगर आप खुद समझदार हैं आप देखेंगे कि जो लोग 1000 अगर एथलीट खेलता है तो ओवरऑल कितना कितने रुपए का गल्ला होता है एक दिन में, सिर्फ 1 से 2 दिन में। और ये सारे लोग जो लिम्बोगनीज और बड़ी बड़ी गाड़ियों में मर्सिडीज में घूम रहे हैं ये एथलीट के ही पैसों से घूम रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं था, है ना। खैर अब आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। होपफुली देखिए मेरी जिंदगी तो अच्छी खासी चल रही है, मैंने बहुत कोशिश की। सो जितने लोग बोल रहे हैं कि आप कब आएंगे तरुण गिल के साथ, तरुण गिल बिग फिट क्लासिक और जितने भी एथलीट हैं जिसको भी अब बात करना है, आपकी जिंदगी, कुछ लोगों की जिंदगी तो खराब हो चुकी है आप देख रहे हैं और कुछ लोगों की जिंदगी अगर आप बचा सकते हैं, जमीर है आपका। मेरा तो बिजनेस है इसलिए मैं फिटनेस इंडस्ट्री को बचाऊंगा और डेफिनेटली मेरा बिजनेस मेरे ब्रांड्स को फर्क पड़ता है एथलीट से। मैं चाहता हूँ स्पोर्ट्स बड़ा हो, अच्छा हो, लेकिन मेरा एक्सपो का बिजनेस नहीं है, मेरा कोई फेडरेशन नहीं है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि
कौन सी फेडरेशन से कौन खेल रहा नहीं खेल रहा है। मैं चाहता हूँ एथलीट बड़े हों, बॉडी बिल्डिंग बड़ा हो। ऑलराइट गाइस, तो अगर ये सारी बातें आप लोगों को समझ नहीं आई तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये तरुण गिल के ऊपर जो मनीष गांधी सर की तरफ से मानहानि का केस किया गया है वो भी 20 करोड़ रुपए का, उसके अगेंस्ट ये सारी बातें शायद से तरुण गिल के सपोर्ट में यहाँ पर साहिल खान ने बोली है। बाकी आप लोग दोस्तों इन सारी बातों को ना किस तरह से देखते हैं और भाई आप लोगों को इन सारी बातों को सुनने के बाद में क्या समझ आया, इसके बारे में आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस इसके बाद में जो हमारी अगली अपडेट है ना वो आ रही है 4-time क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया चैंपियन क्रिस बम्स्टर्ड की तरफ से, जो कि अपने करंट ऑफ सीजन का अपडेट शेयर किए। आप लोग इस अपडेट में ये देखिए दोस्तों कि सीबम अपने ऑफ सीजन में भी अभी भी अपना जो शेप है उसको काफी ज्यादा मेंटेन करके रखे हुए हैं। शोल्डर्स इनके अभी भी एक अच्छी कंडीशनिंग को मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें इनकी चेस्ट के बारे में तो भाई चेस्ट भी काफी अच्छी शेप में है और जो एब्स मसल्स है ना गाइस उनकी भी विजिबिलिटी यहां पर काफी ज्यादा अच्छी है। और ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो इस अपडेट के अंदर ना मेरे को सीबम वाकई में काफी ज्यादा ह्यूज नजर आते हैं। बाकी आप लोगों को भी सीबम का जो करंट फिजिक अपडेट है ना वो कैसा लगा आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस आज की इस वीडियो में तो इतना ही रखते हैं, वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नया पुराने हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस करें जिससे कि हमारी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। लाइक एंड शेयर, थैंक्स फॉर वॉच।